खुला और तलाक की नौबत उस वक्त आए कि जब आपके मसाइल हल ना हो रहे हो हाँ, और फैमिली वर्क कर चुकी हो मसाइल में उनको शरीयत मसाइल कहती ही नहीं जो आपके डे टू डे प्रॉब्लम्स है उसने रोटी नहीं पकाई कपड़े इसत्री नहीं किए फला नहीं किया ये प्रॉब्लम जो सौदा टाइम पे नहीं लेके आया उसने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई ये जो छोटे छोटे मसायल हैं इसको शरीय मसायल नहीं कहती ये तो आपके डे टू डे प्रॉब्लम इसको मैनेज करें एक दूसरे का एहतराम करें एक दूसरे की इज्जत करें एक दूसरे का ख्याल बर्दाश्त करें बर्दाश्त करें मसाइल ये हैं कि कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे के सामने खड़ा हो जाए बीवी नुशूस का इजहार करे या शोहर जो है वो नुशूस का इजहार करे इसके लिए शरीयत ने लफ्ज इस्तेमाल किया नुशूस और नशूस का मतलब होता है मुखालफत में खड़े हो जाना बगावत का अब वो बगावत चाहे मर्द की तरफ से हो चाहे वो औरत की तरफ से हो बगावत जो है वो इस रिश्ते को तबाह बर्बाद भी करती है और उस पर फिर शरीय ने उसको शॉर्ट आउट करने का लिए तरीका भी बताया है बिल्कुल अब अगर मर्द नुशूस पर उतर आया है तो उसका तो कोई हल नहीं है और मर्द अगर उसको नहीं रखना चाहता बीवी को तो उसको तलाक दे दे वो अगर अकेला रहना चाहता है तो रहे आ, लेकिन अगर डॉक्टर साहब आपने दो हाल, हाल नहीं है यानी इसका ये मतलब नहीं कि हम कह रहे हैं कि फौरन दे दे ज़ाहिर है फैमिली कोशिश करे उसका तरीका यही है कि जब आपस में इख्तलाफ पैदा हुए हैं उसका मर्द में शूज पैदा हुआ है या औरत में शूज पैदा हुआ जी इख्तलाफ तो है एक घर में इख्तलाफ पैदा हो गया उस इख्तिलाफ पर औरत ने खास तौर पर फोकस किया है औरत, औरत फोक, ताकि खामिन की आ, फर्ज है औरत पर और औरत अगर इतात नहीं करती उसका मतलब ये नहीं है कि वक्त पे खाना नहीं मिला तो वो इतात से बाहर निकल गई या वक्त पे ये नहीं हुआ तो इतात से बाहर निकल गई उसके लिए नुशूज़ की भी खास डेफिनेशन नबी करीम बताई है और वो ये है कि वो उसकी नाफरमानी करे और नाफरमानी की क्या है के अंदर उसका, उसका बाकायदा तफसील है कि नुशूस का मतलब यह है कि वो खामि से बगावत करके किसी और शख्स से ताल्लुक उस तो बहुत बड़ा दर्जा है असल में बात यही है बिल्कुल सर और अगर वो किसी और शौहर से ताल्लुक उसवार करती है तो फिर कुरान ने कहा है कि जो फदरेबू होन्ना के फिर उसको कोई हल्की मार मारनी मार वाली जो बात है और उसकी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस तरह की मार? तो आपने कि जो निशान ना डाले जख्म तो से तो ताला न उसे किसी ने पूछा कि वो कैसी मार है कि जो किस तरह का तरीका है आपस में एक दूसरे को तंबीह करने का कि जिसका नतीजा आप कहते हैं कि निशान भी ना पड़े और कुछ भी ना हो और फिर वो कहते दरबह सेवा मिसवाक के साथ जैसे यूं मारना, ये तो यूं जैसे एक दूसरे की तोजो हासिल करने के लिए यानी करने के लिए तंबी भी है तवज्जो भी है तंबी कर ली सब कुछ कर लिया नहीं बात बनी तो फिर आपने कुरान कहता है कि आप एक हकम बना लें औरत के घर वालों से एक अकम बना लें सालिश बना लें मर्द के घर वालों से ये दोनों बैठ के फैसला कर लें, अगर तो दोनों फैसला करें कि ये चल सकते हैं मामला आगे चल सकता है तो सोलह सफाई हो जाए अगर सोलह सफाई नहीं होती बस ठीक है फिर एक दूसरे से जुदाई अगर लिखी हुई है तो फिर कर ले और फिर तलाक अगर हो गई है तो बस उसके बाद उसका उसके साथ ताल्लुक नहीं उसका उसके साथ ताल्लुक नहीं इसी तरह अगर औरत को एत, एतराज़ा हैं मर्द के ऊपर तो उसको अल्लाह ने खुला का हक़ दिया वो अगर खुला ले लेती है किसी भी वजह से वो जुराम पेशा निकला या वो कोई गलत आदमी है ओबाश है तो किसी भी तरह का है तो उसके पास हक़ है कि वह खुला लेके उससे अपना तल्लुक़ ख़त्म कर ले अब ताल्लुक़ ख़त्म हो गया वो जो अवामिल थे जिन्होंने गुस्से को आ, बढ़ावा दिया और गुस्सा चढ़ता चला गया और वो उसने अपनी कैफियत ख़त्म हो जाने के बावजूद उस गुस्से को ख़त्म नहीं किया